अपन संस्कृति अपन पहचान बल पहाड़ी छू मैं भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पैलाग जय देव की हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी पहले अभी यूवी के बाल जो है बहुत बड़े हो रहे हैं तो यूवी के बाल काटने हैं आज। काफ़ी दिन से ना जैसे वो स्कूल से आते हैं टोपी उतारते तो उसके बाल ऐसे एंटीना की तरह सारे उड़ जाते हैं, तो आज सबसे पहले उसके बाल काटने हैं आज। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दगड़ियों आज यूवी का हेयर कट है। स्पेशल हमने प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट मंगाए हैं नापड़ में। देखो उसके बाल कैसे हो रहे हैं, आधे बड़े आधे छोटे हो रहे हैं ना। ये देखो भाई कैसा लग रहा है यूवी, हेयर कट हो रहा है आपका आज। ओहो ये देखिए तो जी हाँ आपने सही समझा, यही है। इन्होंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी करा है भाभी ने। अभी बिफोर वाले बाल दिखाते हैं यूवी के ऐसे हैं, एक मिनट रुको जरा, अभी आफ्टर वाली वीडियो दिखाएंगे आपको। ठीक अभी फाइनल कट आपके सामने भी आएगा, थोड़ा मशीन जो है वो ख़राब हो गई है। तो गाइस यूवी के बाल जो है कट चुके हैं हेयर कट, ये देखो अब ये नहाएगी यूवी। कितनी अच्छी लग रही है अब। आहा पीछे से भी देखो इसकी कटिंग, है यूवी स्कूल जा रही है। ये लो भाई नजर का टीका भी लग गया काजल। ओहो बैग में डालना है, लंच है उसका। वैसे तो स्कूल में मिलता ही है मिड डे मील। बाय यूवी अपनी मैम के साथ जा रही है। आज यूवी का हेयर कट था। बाय यूवी। ओ भाई अब तो बाय भी नहीं बोल रही, पलट के भी नहीं, बाय बाय भी नहीं बोला यार उसने। बेइज्जती हो गई गजब वाली। यहाँ पे भी दो पट्टियाँ हुई हैं। अच्छा भाई बहन यहाँ दो ट्विंस हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। इसका नाम ज्योति है, इसका नाम ज्योति, उसका नाम बिज्जू। बिज्जू नहीं, बिज्जू ने इसका नाम रखा है। नहीं, क्या नाम रखा है? रख दिया ना, इसका नाम रुक्कू रखा है। हाँ रुक्कू। और इसका नाम रूपा। अच्छा रुक्कू और रूपा, वाह नाइस नेम। इसका नाम क्या है? सोनी। सोनी के रुक्कू और रूपा, बिज्जू और ज्योति ट्विंस। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम चंदा है। चंदा ये मस्त लग रही है। ओ भाई सासुर। इसका नाम पारो है। उसका नाम इसका नाम पता नहीं, चन्नू। इसका नाम चन्नू है। हाय पारो क्या हो गया? पारो मेरे को मारने आ रही है। पारो का देवदास नहीं आया अभी शायद। अच्छा ये नाम क्या हो है? दूरबीन। जुल्फी। जुल्मी। अच्छा जुल्फी, ओहो हेयर स्टाइल है इसका। इसका जुल्फी है। कुछ भी कहो, पहाड़ों में इनके ना जानवरों के नाम बड़े भयंकर भयंकर रखे जाते हैं। पारो मस्त था। और मेरे को तो वो अच्छी लगती है झुमकी। झुमकी गाइस अभी
बकरियों को ठंड लगेगी करके हम ये सिल लेंगे। अभी भाभी सिल रही है ये दरवाजे में लगाने के लिए, दो बोरी को वो करके बोरी के अंदर ये भर के उतार, इससे बकरियों को गर्माहट मिलेगी। ऐसे दरवाजे में लगाएंगे उनका, गोट के दरवाजे में। देखो पूरा सिल दिया है चारों तरफ से। गद्दे बनवाने हो तो गद्दों का काम भी करते हैं हम। गद्दे भी बनाते हैं, उसको भी ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे तो बनाते हैं गद्दे भी। और इसमें बीच बीच में भी टांके लगेंगे ताकि हिले ना इधर उधर। ये जो मकान है ये भाभी के बुबू ने बनाया है, मतलब और भी लोग थे तो वो भी थे इसमें शामिल। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर लोग उठा के लेके आए होंगे कहाँ कहाँ से ना, भयंकर। बीच में इसकी सिलाई मार रहे ताकि हिले ना ये इधर उधर ज़्यादा। ये गोट के अंदर अंधेरा, ये हुतर लोग इसको रोज लगाते हैं दरवाजे में, रोज हटाना पड़ता है उनको। हमने काम जो है बहुत इजी कर दिया, हमने उसके अंदर भर दिया है ना, हमें अब रोज़ सफाई करनी पड़ेगी, बस इसको लगाना पड़ेगा। निकाल के रख दो। हाँ निकाल के रख दो साइड में और शाम को लगा दो रात को। लोग जो है ये रोज़ लगाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर सफाई करते हैं। भाभी का दिमाग इतनी तेज़ दौड़ता है भाभी का दिमाग। काम ईजी हो गया बहुत ज़्यादा। आलसी लोग ही बहुत कामदार काम करते हैं, जोरदार। हाँ भाई तो आलसी लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, देख रहे हैं। तेरे लिए बेड बन रहा है। साइज तो मेरे जितना है वैसे। ये बन रहा है बकरी के लिए हुतौर। आलसी लोग ही नए इन्वेंशन करते हैं। क्या बोल रहे थे आप? अगर दुनिया में आलसी लोग नहीं होंगे तो नए इन्वेंशन कैसे होंगे ऐसे? भाई काम भी तो बढ़िया है, देख गंदगी भी नहीं होगी। तो गाइज हमारा जो ये था हुतौर वाला ये बन चुका है पूरा, अब इसको हम गोट में ले जाते हैं। हाय यूमी, मम्मी अंदर है, वो रही। हाय, इधर है मम्मी, इधर गोठ में, गोठ में है मम्मी। यूमी स्कूल से आ गई, हम सब्जियों को पानी दे रहे हैं अभी, भाभी गोठ साफ कर रही है। ये पालक लहसुन जो उगाए थे हमने वो भी थोड़े थोड़े उग गए हैं, गोभी अभी उगी नहीं है ढंग से। क्या क्या हुआ यूवी स्कूल में? और क्या क्या हुआ बता तो। बावड़ा गिर गई। खून आ गया। हाँ। और कुत्ते ने तेरे को कहाँ गिराया? नीचे गिराया। कहाँ लगी फिर तेरा? ओह इसमें लगी। अरे लगी है थोड़ी सी। ओहो ठीक हो जाएगा ना, फूफू कर दे। अरे सच में, अबे नीला हो रखे, मतलब भाव भी सच में गिरी होगी। कहाँ गिरा दिया वो तेरे को कुत्ते ने? नीले रवि, भाभी जो है गोट की सफाई कर रही है और फिर उन्हें कपड़े वगैरह भी धोने हैं, तो मैं दिन का खाना बना लेती हूँ तब तक। Thank you.
मेरी आज पूरा लड़का लग रही है पीछे से तो पूरा। मेरे पीछे आता है वो मेरे को मारने के लिए बार बार। हाय मार्शल। तो दगड़ियों अभी मैं नेट चलाने आई हूँ और पंकज नहीं आया आज मेरे साथ, उसका फ़ोन लेके आई हूँ मैं। बकरियाँ आ गई हैं, एक बकरी की जो है तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है उसको, तो इसलिए वो लोग घर पे ही हैं अभी। तो मैं जल्दी फटाफट से लोग जो है अपलोड करती हूँ, फिर मैं घर जाती हूँ रात होने से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले जाती हूँ। आजकल बाघ वाघ भी आ रखा है गाँव में थोड़ा, तो भाभी ने बोला जल्दी आना तो इसलिए मैं अभी जल्दी आ गई आज अपलोड करने के लिए। हाय झुमकी, सबसे मस्त मेरे को ये लगती है झुमकी। हाय झुमकी, सब सेंटर फ्रूट के एड में आने वाली है कुछ टाइम बाद, सब जब आ रही है। ये देखो भाई, सेंटर फ्रूट के एड में आने वाली है। भाई साहब दांत देखो, सेंटर फ्रूट खाते हैं ये बकरियाँ, स्पेशल बकरियाँ हमारी सेंटर फ्रूट खाती है। अभी सेंटर फ्रूट वालों ने ऐड के लिए भी बोला है इन बकरियों को, तो प्रमोशन के लिए इन्हें ले जाना है अभी। हाय झुमकी, ओहो गुस्सा आ रखा है इसको, इसको गुस्सा क्यों आ रखा है आज, गुस्सा क्यों आया आज? तो दो हमने दिन में जो सिल रहे थे यही है, वो इसी काम के लिए आया है। देखो ये बिल्कुल फिट हो गया है और बकरियों को ठंड नहीं लगेगी अब, देख रहे हो गाइस, मस्त परफेक्ट। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।